देखो इधर, थ्री कॉट ए बराबर फोर, यहां दिया है थ्री कॉट ए बराबर फोर, तो कॉट ए बराबर तीन को इधर लाओगे तो बाटा में चलाएगा ना। कॉट का सूत्र आप लोगों को पता है, होता है बी बाटा एच, नहीं है इसमें ना एच निकालो, तो सूत्र लगेगा बी स्क्वायर माइनस बी का मान कितना दिखता है, बी का मान क्या है, चार का वर्ग क्या होता है, तीन का वर्ग जोड़ दिया गया करना आ गया। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होता है, बराबर होगा। तो पहले एक साइड का मान निकालेगा, दूसरी बार एक साइड का, पहले यहाँ लिखो एल एच एस, एल एच एस वाला भाग उसका लिखेगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाटा में वन प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो वन माइनस टेन का वहां से मान निकाल कर लाओ तो क्या होगा, तीन बाटा स्क्वायर स्क्वायर, और वन प्लस टेन का मान रहेगा तीन बाटा चार का, वन माइनस तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग सोलह, वन प्लस तीन का वर्ग नौ और चार का वर्ग बाटा पर क्या जोड़ घटा बना देगा, यहाँ पर एक सोलह का सोलह, सोलह माइनस नौ हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम एक सोलह का सोलह, सोलह प्लस नौ हो जाएगा, इस सोलह में नौ घटेगा तो क्या बचेगा, सात बाटा में आई मेन बाटा का कूड़ा लिखेगा तो इस सोलह ऊपर गया घर डिग्री पच्चीस बच गया, सात बाटा क्या बच गया। आर एच एस वाली बात लिखो, आर एच एस में क्या दिया गया है ये लिखो, आर एच एस में दिया गया है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस के सूत्र के लिए, कॉस के लिए यहाँ से मान चुनेगा ना, चार बाटा क्या हो जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर के मान कितना होगा तीन बाटा स्क्वायर, सोलह माइनस सोलह बाटा नौ बाटा घट जाएगा तो क्या बचेगा, सोलह माइनस नौ यानी सात बाटा। देखो तो इधर एल एच एस वाला आर एच एस वाला बराबर है, एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर आ गया सात बाटा, जांच में क्या पाया गया सात बराबर।